नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मुमरा वासी आए दिन मोर्चा निकालते रहते हैं, लेकिन फिर भी पानी की समस्या जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। लोग बूंद बूंद को पानी के लिए तरस जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं NCP के नगर सेवक सानू पठान साहब। इन्होंने जो ह्यूमन चेन जो है बनाई है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस ह्यूमन चेन का किस मकसद से इन्होंने गठन किया है। सर, आप बताइए, जो ह्यूमन चेन बनाए हैं आपने, ये आप किस मकसद से इसको जो है बनाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुमरा कौसा के अंदर कुछ महीनों से पानी की समस्या बढ़ गई है। उसका कारण ये है कि MIDC जो हमको पानी देती है, वो एक डेढ़ महीने से वो 36 MLD, 32 MLD, 30 MLD दे रही है, और जबको हमको ज़रूरत जो है वो 42 से 45 MLD की। एक उनकी ये कोताही है। दूसरा, कई लोग वॉल से छेड़छाड़ कर रहे, इनको प्रैक्टिकल इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनका जो वॉलमैन लोग है, जो इनके अधिकारी है। यानी आप कह रहे हैं कि जो वॉल का छेड़छाड़ बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से जो है पानी सप्लाई किया जा रहा है, दूसरे को दिया जा रहा है। इसे व्यवस्था संभाल ही नहीं जा रही। ये पूरा डिपार्टमेंट जो पानी पुरावटा, इनके अंदर जो नीचे के जो वॉलमैन से लेकर जो भी काम कर रहे हैं, वो फेलियर हो रहे हैं। क्योंकि आज सर्दी में ये आलम है, और सर्दी में ये आलम के बाद गर्मी में क्या होगा। पहले ही आपने फ्राइडे के दिन शटडाउन कर दिया है। फ्राइडे के दिन आपने पानी बंद करने से शनिचर और इतवार को पानी नहीं आता। तो इसीलिए करा गया कि ह्यूमन चेन भी एक प्रोटेस्ट होता है। हमको दिखाना है कि हम एक साथ एक जगह सभी इसका विरोध करते हैं। सबसे पहली बात कि आपका सिस्टम जो है वो नकारात्मक हो रहा है, आपकी उस पर कोई पकड़ नहीं है, आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है कि पानी किधर ज़्यादा किधर कम, प्रैक्टिकल आप काम नहीं कर रहे। करोड़ों रुपए का माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब और कमिश्नर साहब ने बजट देखे, हम सभी नगर सेवकों ने मेहनत करके संपम में बजट डाला, उसके किसको टेंडर दिया है, जो कंपनी को टेंडर दिया वो काम ही नहीं कर रही। अरे, आप लोगों को गर्मी तक अगर आप काम नहीं चालू करेंगे संपम का, तो उनको राहत कैसे मिलेगी। तो ऐसे कई मुद्दों को लेके मुमरा के कौसा की आवाम माँ बहनें परेशान हैं, और मुमरा कौसे के आवाम के साथ हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में हम सभी लोग, शमीम खान साहब, हमारे सभी नगर सेवक लोग, हमारे जो भी भाई साहब है, सभी हम लोग सब मिलके ह्यूमन चेन का गठित की है। जो वो सवा मतलब वो चेन ह्यूमन चेन कैसा है कि हम ये विरोधी जैसा मोर्चा करते हैं, वैसा एक प्रोटेस्ट है। हम मुमरा पानी पुरवाटा से एक लाइन में सभी लोग जहाँ तक जाए, वो अमृतनगर तक जाए, दारूफला तक जाए, कौसा तक, वो एक बड़ी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो है जहाँ से पुरोठा विभाग है पानी का, वहाँ से जो है महिलाएं जो है कतारबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हाँ, उसको ह्यूमन चेन के ऊपर हाथ करके सुनो, पैम्पलेट लेके, कटआउट लेके, कि पानी पुरोठा की जो मनमानी है नकारात्मक हो गया है, इनको कोई इनका इनसे संभल रहा नहीं है, इनके टैंकरों पर पकड़ने, और टैंकर, अरे पूरे शहर को आपने डिस्टर्ब करके रखा। टेक्निकल कोई भी चीज़ पर वर्क नहीं कर रहे, मुमरा के शहर के वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आज करोड़ों रुपए का लोग भुगतान कर रहे हैं, तो उनको पानी भी चाहिए। और ठीक है, जब पानी गर्मी के टाइम पे आता है तो लोगों को कमी समझ में आती है, लेकिन आज सर्दी के वक्त में जुम्मा को आपने कटौती की है, वो पूरा 4 दिन उसकी इफेक्ट पूरे शहर में रह रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके विरोध में हम NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से ये ह्यूमन चेन का गठित किया है, जो मुमरा पानी पुरवाटा से शुरुआत होगी। सोमवार के दिन मंडे सुबह 11 बजे से शुरू रहेगी, और ये कब तक रहती है वो देखेंगे। आपके ज़रिए मैं मुमरा कौसा की आवाम से जहाँ भी तकलीफ है पानी की, मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो अपने घर से निकल के, अपने बिल्डिंगों से निकल के बाहर रोड में वो ह्यूमन चेन की लाइन को ज्वाइन हो। अभी तो हमने ह्यूमन चेन का गठित करके हमारा प्रोटेस्ट दिखा रहे, नहीं तो हम आने वाले वक्त में ये प्रोटेस्ट लेके थाने महानगर पालिका के हेड ऑफिस में बैठेंगे। लेकिन सानू भाई, कहीं ना कहीं मुमरा प्रभाग समिति में जो पानी पुरवठा विभाग है, वहाँ पर कई बार महिलाओं ने मटका लेकर जो है आंदोलन किया, कई बार ऐसे ही आंदोलन हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जल विभाग की नींद नहीं खुल रही है। नहीं, क्या नहीं, आप... नहीं, आपको बताता हूँ, जब से हमने अनाउंसमेंट किया, 2 दिन प्रेशर बढ़ा देते। प्रॉब्लम यही है, जब आंदोलन होता है तो उसके 15 दिन राहत मिलती है। मेरी मांग यही है कि आप एक समिति गठित करो, टेक्निकल समिति जो ऑफिसर होना चाहिए, जो ये रिजल्ट निकाले कि पानी की तकलीफ क्यों है। नगर सेवक कायम, हर हर सबसे पहले नगर सेवकों को लोग
तो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते, अब महिलाएं परेशान रहती है, सब परेशान है। तो इसीलिए इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक समिति होना चाहिए जो 15 दिन के अंदर बताए कि मुमरा कोसा के अंदर पानी की समस्या किन पॉकेटों में है और उसको कैसे सुलझाएंगे, पहाड़ के इलाकों में पानी कैसा जाएगा। सानू भाई, आप इतना बड़ा वुमन चयन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ इलीगल तरीके से पानी सप्लाई किया जाता है उस पर भी लगाम लगना चाहिए, तभी तो पानी की जो है बचत होगी। शहर में आप इन्होंने मन मर्जी का जो चाहे सर्विस सेंटर खोल दिया है, जो चाहे बड़ी लाइन मेल लाइन, आप ये मान रहे हैं ना कि इलीगल तरीके से पानी दिया है और बिना प्रशासन को मारने हुए ये कैसा कर रहा है। इनको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग भुगतान कर रहे उनको वो पैसा दे रहे, एक तरफ वो पानी के लिए तरस रहे, दूसरी तरफ जो चोरी की लाइन ले रहे उनको पानी मिल रहा है। ठीक है, वो ठीक है। आप सबसे पहले जो बड़ी लाइनों पे डायरेक्ट मेन लाइनों पे टेपिंग किया उसे काटना चाहिए, और एक टेक्निकल, जब तक के टेक्निकल ऑफिसर बैठ के एक समिति नहीं बनेगी, कमेटी जो रीज़न नहीं बताएगी कि पानी किस वजह से तकलीफ हो रही है, किन पॉकेटों में हो रही है, सबको सामान्य पानी मिलना चाहिए, उसके लिए प्लान नहीं बनाया जाएगा, जब तक ये शहर की समस्या दूर नहीं होगी। पैसा आके करोड़ों रुपए पड़ा है, इसको तुरंत काम करना चाहिए। जैसे संपम मैंने आपको बताया, 12 जगह संपम बनने वाले जिससे प्रेशर में पानी आएगा, उसका जिन ठेकेदार को काम मिला वो काम ही नहीं कर रहे। तो मेरा इनसे यही डिमांड है कि इनके आशीर्वादों से ये सब चल रहा है। ऐसे लोगों को काम मिला, ऐसे ठेकेदारों को कि उनका नाम देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सिर्फ उतना कोई चंदू खेराडे फराडे या कोई दूसरा ऐसे जो भी एक्सवाइजेड ऐसे बहुत लोग हैं, अपना अपना काम करें, वो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करें। महानगर पालिका का अगर काम वर्क ऑर्डर लेके बजट गिरा के काम नहीं कर पा रहे तो ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और मुमरा कोसा की आवाम को पानी दिया जाए, यही मेरी मांग है। तो ये थे सानू पठान, जिन्होंने साफ कहा है कि जो है पानी की समस्या को लेकर वो महिलाओं के साथ जो वुमन चैन का गठन किया है, और सोमवार के दिन जो है इनका जो है बड़े पैमाने पर पानी परोठा विभाग पर जो है एक धरना प्रदर्शन रहेगा। तो कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।